राधे राधे आप सभी माताएं बहनों को और होली की भी आपको बहुत बहुत शुभकामना है मेरी और मेरे परिवार की तरफ से, आपको और आपके परिवार को पूरे को। तो आप धूमधाम से होली मनाएं। अरे एक बहन ने देखो कमेंट किया था कि मैं गणगौर का उजीना करूंगी, तो मेरे को घर पे गणगौर पूजनी है, आप मुझे पूजन की विधि बताइएगा। तो आपको बहन क्या करना है कि आप जैसे आज होली मंगल जाएगी और आप सुबह जल्दी स्नान करें, स्नान करके और जहाँ होली मंगलती है वहाँ जाएं, वहाँ से राख लेके आएं, राख लाके और आप उसको गीली करके आपको शोले पिंडी बनानी है। शोले पिंडी बनाकर एक छाबड़ी लेनी है, उसमें लाल कपड़ा बिछा लो और वो पिंडी इनको आप है जो उनमें रख लो। और आपको रोली मोली और मेहंदी काजल ये सारी सामग्री लेनी है पूजा की, और आप उनके बिंदी लगाएं और दीवार में भी सोलह सोलह बिंदी लगाएं सारी चीजन की, काजल मेहंदी है रोली ये सारी चीजन की बिंदी लगाएं। उसके बाद में आपको एक सिक्का लेना है, सुपारी लेनी है, कौड़ी लेनी है, ये आप है जो उसमें रख ले, में आप एक लोटा में रख ले में, तो ये चीज सामग्री लेनी है। और देखो कंवारी लड़की है तो धूप में से जो गोले आता है उनको ले में आठ आठ गोले लेती हैं दोनों हाथों में, उनसे पूछती हैं। और शादीशुदा शादी हो जाती है तो वे धूप तोड़ के और उसी से पूछती हैं। इस तरीके से इसकी पूजन की विधि है। तो बछड़ा तोड़ी तो उन्हीं की पूजा होती है जो सोले पिंडी बनाई है, उनकी पूजा होती है। और फिर पूजा करने के बाद में आप एक उनको ओढ़नी उड़ा देवें, फिर दूसरे दिन पूजा करें जब अटाले में पूजा करके फिर उड़ा दें। इस तरीके से बछड़ा तोड़ी आप उनकी करें। बछड़ा के दिन आप अपनी सारी रास्ता में जो जिसको आप बुलाना चाहते हैं उनको बुलाएं, सारी गणगौर पूजती उनको लेके जाएं बाजा से, और कुम्हार के जाएं, कुम्हार के से गणगौर लेके आए और छोटा छोटा दूल्हा दुल्हन बना के जब लेके जाते हैं उनको इस तरीके से लेके आए और लाके और उनको अच्छी तानी से सजाएं। देखो जैसे सारी चीज़ उनको पहराएं, आप जो बोरला लगाएं और कानों में पहनाएं नथली है, सारी चीज पहनाते हैं, बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं उनका, क्योंकि ये महादेव और पार्वती जी का ही रूप होता है। तो इस तरीके से उनकी पूजा की जाती है। इस तरीके से इनको इस भाव से आप पूजा करें। तो देखो मैं आपको पूजा करने की गीत बताती हूँ, इस तरीके से आप पूजा करें। गौर गौर गणपति सर पूजे पार्वती, पार्वती का लगीला गौर का सोना काटी, काटी का दे टमका दे झाला रानी, व्रत करो व्रत करता खीरो खाटो लाडू दीनो लाडू रबीरा ने दियो बीरो माने चुंदड़ चुंदड़ मैंने गौर उड़ाई, गौर मन स्वाग दियो भाग दियो तने मन सोलाई, सरे बोला दोनों जोड़ा जोड़े जवार गेहूं 11 रानी पूजे राज ने मैं पूजा सुहाग ने, रानी को राज घट तो जाए माँ को स्वाग बढ़ तो जाए, कीड़ी कीड़ी जा दे गुजरात दे गुजराता को पानी दे दे तमा ताणी, ताणी में सिंगाड़ा पानी में भी जोड़ा, हरी हरी दूब ले दूब का डांड सूरज जी को डोरो ले सोना को कचोड़ो ले घने गोर पूज ले। इसी तरीके से आपको देखो 16 बार बोलना है। ये तो गिनती के लिए आप कोई 16 चीज रख लो और नहीं तो आप 16 बिंदी भी लगा सकते हो। इसी तरीके से आपको डेली इस तरीके से आपको 16 बार पूजना है, बोलना है इस तरीके से। और बीच बीच में आप और भी बोल सकते हो, इसमें है जो जैसे मान लो टीका थाने झुमकी थाने काजल थाने मेहंदी थाने, इस तरीके से सारी चीजन का नाम ले लो, चांद थाने सूरज थाने, इस तरीके से सारी चीजन का आप नाम ले सकते हो बीच बीच में है जो, इस तरीके से आप उनको डेली है जो जिमा में
और पूजा करें इस भावना से जिस तरीके से इनकी पूजा होती है 16 दिन तक। और मैंने वीडियो पिछले वीडियो में गणगौर का गीत डाल रखे हैं, दूसरे चैनल पे भी मैंने डाल रखे हैं, आप हमें देख सकते हो और आप हमें बता भी सकते हो कमेंट करके कि आपको कौन सा गीत चाहिए, कौन सा भजन चाहिए, कौन सा क्या चाहिए, सारी चीज़ें आप बता सकते हो। तो राधे राधे आप सभी माताएं बहनों को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को।